नवंबर से फरवरी तक हर हफ्ते 31% बढ़ा है संक्रमण। पिछले एक हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के मामले 1,10,00,000 के पार चले गए। ऐसे में नवंबर से फरवरी के बीच में आखिर क्या लापरवाही हुई जिसके चलते 31% लोग संक्रमित हो गए, ये बहुत बड़ी चिंता की बात केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए है। ऐसे में अलग अलग राज्यों के हिसाब से राज्य सरकारों ने एडवाइजरी जारी कर दी है। कुल 5 से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर तेजी से ये संक्रमण बढ़ रहा है, जिसमें महाराष्ट्र एक है। महाराष्ट्र में एहतियातन लॉकडाउन लगा दिया गया है। अमरावती में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, जबकि नासिक और पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में 200% तेजी से ये संक्रमण बढ़ना वाकई चिंता को बढ़ा रहा है। आसपास जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हीं को देखते हुए राज्य सरकारों ने फिलहाल एहतियात बरता है। कोरोना पर लापरवाही ही रही जिसको चलते केसेस बढ़ गए हैं। न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न लोग मास्क लगा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर केसेस की संख्या बढ़ी है। 5 दिनों में नए मामले बढ़े हैं, काफी लोग एक साथ संक्रमित हो रहे हैं और बार बार हमको ध्यान रखना होगा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी आम पब्लिक को वैक्सीन नहीं दी जा रही है, अभी सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स और उनको दी जा रही है। महाराष्ट्र में फिर बढ़ने लगी है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 6,971 केस सामने आए हैं, 35 की मौत हुई है। कोरोना के केस बढ़ने पर उद्धव सरकार ने बढ़ाई है सख्ती। उद्धव सरकार ने कहा, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं चाहते तो फिर एहतियात बरतिए। अमरावती में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू के जरिए कोरोना पर कंट्रोल पाने की कोशिश। ऐसे में किसी भी तरह का राजनीतिक या फिर धार्मिक आयोजन नहीं होगा। लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है और ये सब कुछ हो रहा है आपकी सेहत के लिए। 9 लाख लोगों को अब तक महाराष्ट्र में वैक्सीन लग चुकी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने की कोशिश हर राज्य में हो रही है। ऐसे में उद्धव सरकार चिंता जाहिर कर चुकी है, फिक्रमंद है और लोगों से कहा जा रहा है मास्क आप लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। भले ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है लेकिन उसके बावजूद भी आपको एहतियात बरतना होगा। ये जो 4 तस्वीरें आप आसपास देख रहे हैं, मुंबई में सख्ती और बढ़ा दी गई है। अमरावती में जैसे मैंने कहा लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू है, जबकि यवतमाल में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और ये सब कुछ हो रहा है कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए, ताकि कोरोना के बढ़ते केसेस को काबू में किया जा सके। मरीजों की संख्या बढ़ता देख महाराष्ट्र सरकार ने कुछ और कदम उठाए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आप समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या एहतियात में कदम उठाए हैं, कहां कहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कहां कहां रोका गया है। ये सब कुछ आपको समझाएंगे कि आखिर मुंबई पर इतना ध्यान क्यों है। आप याद करिए वो दिन जिस वक्त कोविड के केसेस आ रहे थे तो सबसे ज्यादा फोकस महाराष्ट्र पे था। हिंदुस्तान का टैली नंबर अलग चल रहा था और महाराष्ट्र का कोविड सर्च अलग चल रहा था। महाराष्ट्र में कहां कहां केसेस की संख्या बढ़ गई है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चेंबूर, बोरोवली, ग्रांट रोड, जहां पर 100 से ज्यादा केसेस हैं जहां आप देखेंगे। और यही फिक्र वाली बात है सरकार के लिए। राज्य सरकार अपने अपने राज्य के हिसाब से केसेस के आधार पर लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में कोरोना की वापसी हो गई है और ये जो कोरोना की बढ़ती रफ्तार है इसको लेकर फिक्रमंद शासन और प्रशासन दोनों ही हैं। इस दौरान जरूरी सामान की दुकानें जो हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही खुलेगी। वहीं पुणे जिला प्रशासन ने भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यहां रात 11 से सुबह 6 बजे तक लोगों को घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई है। और अगर आप निकल पाए तो सिर्फ वो इमरजेंसी के हालात होंगे, मतलब अगर कोई इमरजेंसी केस है तो आप घर से निकल सकते हैं, वरना नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा, वरना सख्त कार्रवाई हो सकती है। स्कूल कॉलेज भी अब 28 फरवरी तक के लिए बंद किए गए हैं और ये सब कुछ कोरोना पर काबू पाने के लिए। हालांकि बहुत तेजी से पूरे देश भर में वैक्सीनेशन चल रहा है। महाराष्ट्र में ही 9 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को अब तक वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद केसेस का बढ़ना फिक्र वाली बात है। आप भी एहतियात। मुंबई में कोरोना का खतरा अब भी मंडरा रहा है। महानगरी मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए बॉलीवुड भी सावधानी बरत रहा है। बॉलीवुड में इवेंट भी आजकल बड़ी ही सावधानी से ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। मीडिया कर्मियों के लिए पीपीई किट दी जाती है, आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाता है ताकि किसी भी तरह से इवेंट में खलल ना आए या फिर कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस निकल ना पाए।
कोरोना काल में अगर आपको बॉलीवुड इवेंट की नज़ारे देखने हो कि किस तरीके से अब कोरोना काल में बॉलीवुड इवेंट के कवरेज किए जाते हैं, तो ये आप देखिए, ये दृश्य आपको साफ बयां कर रहे हैं द न्यू नॉर्मल क्या है। ये हम सबके लिए न्यू नॉर्मल है, जहाँ पे जर्नलिस्ट, यहाँ पे वीडियो जर्नलिस्ट, तमाम सभी लोग जो है पीपी किट में आपको नजर आने वाले हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना केसेस के बढ़ते मामले मुंबई में नजर आ रहे हैं, और मुंबई की माया नगरी जानी जाती है बॉलीवुड के लिए और बी टाउन के लिए, यहाँ पे अब भी आपने देखा, यहाँ पे द गर्ल ऑन द ट्रेन परिणीति चोपड़ा की आगामी फिल्म का यहाँ पे एक प्रमोशनल इवेंट हुआ। लेकिन आपने साथ में देखा जिस तरीके से यहाँ पे सावधानियां बरती गई हैं, यहाँ पे जितने भी रिपोर्टर्स आए उन्हें पीपीई किट पहनाया गया, और इसके पहले एंटीजन कोविड टेस्टिंग के साथ आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया, मास्क दिया गया, और साथ में ये पीपीई किट के साथ उन्हें अंदर भेजा गया। और यहाँ पर आप तमाम जितने भी लोगों को देख सकते हैं, आपको सभी मीडिया कर्मी पीपीई किट में नजर आने वाले हैं। यही नहीं, साथ में यहाँ पर जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन लोगों ने भी खासा सावधानी बरती थी, क्योंकि जिस तरीके से मामले कोरोना के तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर न केवल आम आदमी, यहाँ तक बॉलीवुड की तमाम हस्तियां भी कोरोना को लेकर परेशान है। अनुष्का की शादी हो या उनकी बच्ची की घड़ी हो या वरुण धवन की शादी हो, तब से लेकर ऐसे ही लोग तैनात रहते हैं सभी गलियों में, बांद्रा, जुहू, तमाम इलाकों में। इसने आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना काल के बाद कितना कुछ बदल चुका है? बहुत कुछ बदल गया। वैसे जैसे पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते थे, अब हमें सब ये पीपीई किट पहनकर काम करना पड़ रहा है। इवेंट में जाने के पहले एक एंटीजन टेस्ट करना होता है, मास्क पहनना कंपलसरी हो गया, ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो गए। जी, तो जैसा कि आपने स्नेह से सुना कि किस तरीके से ये जो लोग हैं, स्नेह जैसे ये पापराजी फोटोग्राफर्स जो हमेशा हस्तियों के इर्द गिर्द नजर आते हैं, अब उन्हें भी कोरोना काल के चलते तमाम सावधानियों का सामना करना पड़ता है, और इस तरीके से ये सारे प्रोटोकॉल्स निभाने पड़ते हैं, क्योंकि ये खतरा ना केवल आम जनता को, ये मीडिया कर्मियों से लेकर हर किसी पे सेम तरीके से मंडराता नजर आता है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में केसेस, अब सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए पूरे महाराष्ट्र से कहा है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन नहीं चाहते तो फिर आप ये नियम अपने अपने जीवन में लाइए। मुंबई से हमारे संवाददाता, दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक हमारे साथ हैं और श्वेता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात की खबर है थोड़ी देर में। अब नारायण स्वामी इस्तीफा भी देंगे, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन दोबारा से कोरोना की खबर पर आते हैं, जो आपके और हमारी सेहत से जुड़ी हुई है, और बहुत फिक्र वाली बात है कि कुछ राज्यों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। अब महाराष्ट्र में जो तेजी से आंकड़े बढ़े हैं वो फिक्र पैदा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं संपूर्ण लॉकडाउन आप नहीं चाहते तो एहतियात बरतिए। अभिषेक और श्वेता, दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। अभिषेक, पहले आप ही का रुख करते हुए, अमरावती में एक हफ्ते का लॉकडाउन और पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू, क्या ये संकेत है कि अब बहुत जल्द मुंबई में भी लॉकडाउन हो जाएगा अगर इसी तरीके से केस बढ़े तो? रचना, बिल्कुल, देखिए साफ समझ में आ गया, कल जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित कर रहे थे उसमें साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि एक 8 दिन का अल्टीमेटम दिया, 8 दिन में अगर लोग सुधर जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन, पूरे महाराष्ट्र में, यानी हम महाराष्ट्र मुंबई की बात नहीं करें बल्कि महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को सामने आना पड़ा, सबको अपील करना पड़ा कि अभी भी आपके हाथ में है कि आप मास्क लगाते हैं, यानी आपको लॉकडाउन चाहिए या नहीं चाहिए। उन्होंने खुद जनता से सवाल खड़ा किए हैं, और यही वजह, देखिए सबसे खास बात अभी मानना पड़ेगा आपको कि महाराष्ट्र में एक दो नहीं, अब तक 21 लाख से अधिक कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं। अगर तुरंत एक्टिव पेशेंट की बात करें, करीबन 51,000 के आसपास एक्टिव पेशेंट हैं, और करीबन 50,000 से ऊपर लोगों की मौत भी अब तक हो चुकी है, तो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको आंकड़े की बताऊं, 7 फरवरी की बात करूं आपको, 7 फरवरी को एक दिन में करीबन 2200 लोग मिला करते थे कोविड पॉजिटिव के, लेकिन अगर कल की फिगर की बात करें करीबन 7,000 लोग मिले हैं, यानी समझ सकती है 2.5 गुना 3 गुना अधिक कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते हुए मिल रहे हैं। कारण साफ है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों का पालन न करने की वजह से ही ऐसा बड़ी आपदा जो लगातार आती रही। अब जिस वक्त आपको दिखाना चाह रहा हूं मैं, मुंबई के एक बड़ी मार्केट में मौजूद हूं, अंधेरी इलाके में नाटको मार्केट है, इस मार्केट में भी भारी संख्या में लोग यहां पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा नहीं हो रहा, हम यहां पर ज्यादा भी लेते हैं, यहां पर लोग हैं, क्या कहेंगे आप लोग मास्क लगाए हैं, लेकिन लोगों से अपील करते हैं मास्क लगाएं। हम लोग तो अपील करते हैं सर, पिछले एक साल से लोगों से अपील ही कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करते रहिए, लेकिन लोग है कि कुछ मानते ही नहीं है। लोगों को तो करना चाहिए ये सब चीज़, क्योंकि ये अपने लिए है। देखो जैसे कि कल उद्धव साहब ठाकरे ने जिस
जिस तरीके से कहा है कि आपको लॉकडाउन चाहिए या आप मास्क लगाना है, लेकिन लोग फिर भी नहीं सुन रहे, लेकिन कल से उनके बोलने पे जो है काफी लोगों को असर पड़ा है। आप और भी लोग जानते क्या कहेंगे, दुकान आप लोग लेके बैठे हैं यहाँ पर, जो कस्टमर बहुत ऐसे भी आते हैं, आप लोग लगाते हैं, आप लोग फॉलो नहीं करते, बहुत कस्टमर ऐसे आते हैं मास्क नहीं लगाते, उनको क्या देते हैं कि सामान देते हैं? हम लोग सामान भी देते हैं, लेकिन बहुत कस्टमर ऐसे है कि सामने से मास्क नहीं लगाते, हम बोलते हैं तो भी नहीं लगाते, कोई कोई बोलते हमें सांस की तकलीफ है, हमें जम नहीं रहा है पहनने को, कान में टाइट हो रहा है, इससे करके कोई कोई पहनते नहीं है, कोई कोई पहन के भी आते हैं, बोलते हैं कि कंपलसरी पहनो सब लोग। लेकिन लगता है आप लोगों को लॉकडाउन चाहिए कि लॉकडाउन नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए लॉकडाउन। तो उसके लिए लगता है कि आप लोगों को जरूरत है कि आप खुद आगे आके बताएं कि नहीं अब मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है? ठीक है, मास्क तो जरूरी, जो कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑल ओवर ग्लोबल प्रॉब्लम चालू ही है, बट थोड़ा सा मतलब पब्लिक को भी रिलीफ दे तो अच्छा है, क्योंकि बिजनेस एकदम ठप हो गया है, सब डाउन हो गया है, GDP ना ही, गवर्नमेंट तो अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेगी पर आम पब्लिक का क्या होगा, वैसे थोड़ी सहूलियत दे और टाइमिंग थोड़ा बढ़ाए, अच्छी तरीके से ट्रेन का वगैरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू करे ठीक से तो बेटर रहेगा। वैसे हमारे शॉप पे वैसे आते तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो मास्क का है ना, शॉपकीपर एक बार जब दुकान पे कोई नहीं रहेगा ना, शॉपकीपर नहीं लगाएंगे वो चलेगा, मगर कस्टमर आते हैं तो चलो एक बार लगा सकते हो। और वैसे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मास्क लगाएं और यहाँ पे करें, आप भी क्या लगता है मास्क सही से लगाते हैं? आपका मास्क सही तरीके से नहीं है? बिल्कुल दिन भर लगाते हैं सर मास्क एकदम लगाते हैं, कान दर्द करता है तो सांस लेने के लिए निकालना पड़ता है। मास्क थोड़ा सा सही, जो कान नाक भी आपका ढका होना चाहिए? ढका ही रहता है सर, अब कान नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो भाई निकालना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं दादा। बिल्कुल नहीं जमता, यही लोगों की जो तकलीफ है, जो तमाम जो देख रहे हैं, यही लोगों की आप देख रहे हैं, तमाम जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ यहाँ पे कस्टमर हैं, कुछ यहाँ पे दुकानदार हैं। ठीक है अभिषेक, लोगों से आपने पूछा, लोग यही कह रहे हैं कि वो दोबारा लॉकडाउन नहीं चाहते हैं, कह रहे हैं हम एहतियात बरतेंगे। श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, दो चीजें आपसे समझना चाहता हूं महाराष्ट्र और मुंबई के परिप्रेक्ष्य में। पहला, क्या जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो स्लो चल रही है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस वहां स्लो चल रहा है, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, पहला। दूसरा, पुणे में क्योंकि वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ये जो स्ट्रेन्स हैं, ये जो सर्ज है, क्या ये पहले वाले स्ट्रेन का है या फिर जो लोग बार बार कह रहे थे कि ब्राजीलियन स्ट्रेन है, अफ्रीकन स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन है ये? जी, सबसे पहले आपके पहले सवाल पर आती हूँ, आपने पूछा क्या यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव स्लो चल रहा है। जैसे ही सीएम उद्धव ठाकरे कल संबोधित करने आए जनता को सोशल मीडिया के जरिए, उन्होंने ये बताया कि 9 लाख फ्रंट लाइनर्स को अभी तक वैक्सीनेशन दे दिया जा चुका है और ये अभी तक ही इसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जिन्होंने सबसे पहले प्रथम रूप में ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन सभी फ्रंट लाइनर्स को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है और ये प्रोसेस अभी आगे भी चल रहा है। रही बात नए म्यूटेशन की, नए जो हम कह सकते हैं नए स्ट्रेन कोरोना के, तो महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया था कि जो भी नए स्ट्रेन आए हैं कोरोना के, उनके कोई भी हमें रिपोर्ट महाराष्ट्र से देखने को नहीं मिली है। इस वक्त मैं विले पार्ले में मौजूद हूं और आपको मैं इर्द गिर्द की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बार बार यह कहा था कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, इन सभी नियमों का पालन कीजिए। आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगी, अगर हम ऑटो रिक्शा की बात कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा में भी ये सभी परिवहन में दो यात्री ही बैठ सकते हैं। अगर कोई भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर देखा गया जिसने तीन या तीन से अधिक लोगों को अंदर ऑटो में बिठाया है, उस पर जुर्माना लगेगा कोविड प्रोटोकॉल के नियम ना फॉलो करने के। और इसके अलावा अभी भी आपको तस्वीरों में दिखेंगे, लोग सतर्क हैं लेकिन मास्क सही तरीके से नहीं पहनते हैं। 10 में से 8 लोग अभी भी मास्क को नाक के नीचे पहनते हैं, मास्क लूज होता है। और इस बात को बार बार सीएम उद्धव ठाकरे ने दोहराया था कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, अगर संपूर्ण रूप में लॉकडाउन दोबारा नहीं चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अन्य जिलों में लॉकडाउन लग चुका है, मुंबई को अगर सेफ रखना चाहते हैं आप सुरक्षित रहिए, उसके बाद मुंबई से उम्मीद करेंगे। श्वेता, कि जो 8 दिन का वक्त दिया है इसमें महाराष्ट्र के लोग जागरूक रहेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे ताकि कोरोना जो बढ़ रहा है उसे कंट्रोल किया जा सके। हालांकि इंडिया न्यूज के मुंबई में जो संवाददाता है वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं। अभिषेक, श्वेता, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।